पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हाल ही में फुकरे फिल्म के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर ऋचा चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, ये फिल्म हमेशा ही मेरे लिए खास रहेगी क्योंकि इसी दौरान वो अपने पार्टनर अली फजल से मिली थी। बता दें कि अली फजल और ऋचा चड्ढा फिल्म के समय से अब तक रिलेशन में हैं। दोनों अप्रैल 2020 में कोर्ट मैरिज करने वाले थे, हालांकि लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो सका। अब दोनों के फैंस को उनकी शादी का इंतजार है। अली ऋचा से पहले भी कई बॉलीवुड सेलेब्स अपने को स्टार्स में जीवन साथी ढूंढ चुके हैं। आइए जानते हैं वो सेलेब्स कौन से हैं। रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा। आज इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल माने जाने वाले रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की पहली मुलाकात तुझे मेरी कसम के टेस्ट शूट में हुई थी। ये दोनों ही डेब्यू फिल्म थी, देखते ही देखते उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। मस्ती और तेरे नाल इश्क हो गया जैसे कई फिल्मों से साथ नजर आने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और कपल ने 3 फरवरी 2012 में शादी कर ली। धर्मेंद्र हेमा मालिनी। बॉलीवुड के हीमैन, धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी फिल्म तुम हसीन में जवान के सेट पर नजदीक आए थे। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे जिनसे उनके दो बेटे बॉबी और सनी हैं। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश से तलाक मांगा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की दोस्ती कुछ ना कहो और ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इसके बाद साल 2006 में दोनों को एक साथ 3 फिल्में गुरु, उमराव जान और धूम 2 मिली। तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताने लगे और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साल 2007 में एक शानदार फंक्शन में शादी की थी। अजय देवगन, काजोल। बॉलीवुड के खूबसूरत कपल अजय और काजोल ने एक साथ कई फिल्में की हैं। दोनों की नज़दीकियाँ साल 1995 की फिल्म हलचल के दौरान बढ़ी थी जिसके बाद दोनों करीब 4 सालों तक रिलेशन में रहे थे। एक दूसरे को अच्छे से समझने के बाद कपल ने साल 1999 में शादी की थी। सैफ अली खान, करीना कपूर। एक इंटरव्यू के दौरान करीना कपूर ने बताया था कि फिल्म टर्शन हमेशा से उनके लिए खास रहेगी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सैफ में अपना हमसफर मिला था। इसके बाद एक्ट्रेस टर्शन की फिल्म की शूटिंग करते हुए सैफ के करीब आ गई थी। कपल ने साल 2012 में शादी कर ली। अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी। कई फिल्मों में साथ काम कर चुके अमिताभ जया फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान करीब आ गए थे। फिर क्या था, बिग बी ने बिना समय गवाए 1973 में जया से शादी कर ली। ऋषि कपूर, नीतू सिंह। नीतू कपूर और ऋषि की पहली मुलाकात फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग करते हुई थी। देखते ही देखते दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। उम्र के बड़े फासले के चलते नीतू की मां दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी, हालांकि कुछ समय बाद वो भी राजी हो गई। दोनों ने साल 1980 में शादी की थी। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।